आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच, सिर्फ सच। तानेश्वर आजाद जयंती समारोह का आयोजन कालिदास रंगालय पटना में किया गया, जिसमें हजारों लोग तानेश्वर आजाद जयंती पर नाट्य का लुत्फ उठाया। आगे जानते हैं संस्था के सचिव मिथिलेश कुमार सुमन जी से। जानकारी नहीं थी, कोई बात नहीं महाबात, किसी भी राज्य के राजा का आदेश सर्वोपरि होता है। हेलो जी सुमन जी, मिथिलेश कुमार सुमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन जी जी, ये जो तानेश्वर आजाद जयंती समारोह का उद्देश्य क्या था और ये कब कब कराया जाता है? देखिए ये तो हमारी संस्था है जो पापा के नाम से हम खोले हुए हैं, तानेश्वर आजाद जन सम्मान समिति, और इस संस्था के द्वारा मैं हर साल जो है क्योंकि 15 फरवरी को मैं जयंती मनाता हूं और उस संस्था के जरिए एक नाटक करता हूं, तो उसी सिलसिले में हमने ये नाटक किया है और साल में एक बार हम नाटक करते हैं। ये संस्था खोलने का मेन उद्देश्य मेरा ये था कि हमारे पापा जी बहुत दिनों तक कांग्रेस में थे और कांग्रेस में मंत्री भी रहे, लेकिन उनके मरने के बाद कोई भी उनका मतलब याद तक नहीं करता था, लोग नाम तक नहीं लेता था, तो हमें लगा कि इतना ईमानदार होते हुए भी अगर इनका कुछ न लोग नाम लेता है और न इनका चर्चा करता है, तो हमारे दिमाग में बात आई कि इनके नाम से हम एक संस्था खोलते हैं जिसके जरिए कम से कम हम तो बेटा होकर के हम साल में एक बार तो इनको याद करें, कांग्रेस नाम ले या न ले, अदर पार्टी नाम ले या न ले, लेकिन बेटा के नाते एक संस्था खोल करके हमने जो ये आयोजन किया गया, इसमें ठीक है कि आपने अपने पिताजी को याद करने का एक जरिया बनाया, लेकिन इस नाटक का उद्देश्य क्या रहा? ये नाटक हमने किया था बुद्धम शरणम गच्छामि, जो नाटक ऐतिहासिक है और ये बेस था बिम्बिसार और आजाद शत्रु के, इन्हीं पे बेस था, जिनको देवदत्त एक कैरेक्टर है जो आजाद शत्रु का भाई है और वो चाहता है कि हम आजाद ये बिम्बिसार के जगह पर बिम्बिसार को जो है जो कि उसके जगह पर हम आजाद शत्रु को राजा बनाए, और ये अपने खुद चाह रहा था कि हम बुद्ध के जगह पे हम काबिज होकर के और वो बुद्ध धर्म हम चलाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बुद्ध भगवान तो बुद्ध भगवान है, उनके सामने कौन टिकेगा। लास्ट में ये आजाद शत्रु को कान भरता है और उसी के जरिए यानी कि आजाद शत्रु के जरिए उनके पिता का हत्या करवाता है, हत्या करवाता है, बाद में आजाद शत्रु को एहसास होता है कि हमारा जो मित्र था वो मित्र मेरा नहीं था बल्कि दुश्मन था, शत्रु था, लास्ट में वो आजाद शत्रु को पकड़वाता है और वो जेल में करता है, उद्देश्य तो यही था कि चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़, सिर्फ सच, सिर्फ